हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीलमपुर से लाए हुए अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट। वैसे सीलमपुर में आपको सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे आपको हेयर एसेसरीज हो, चाहे बैंगल्स हो, और क्लोथ में भी आपको वहाँ पर काफ़ी सारे फैब्रिक मिल जाते हैं, फैब्रिक के पीसेज मिल जाते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ में। इसके अलावा होम डेकोर से लेकर आपको किचन के भी सामान वहाँ इजीली मिल जाते हैं, कर्टेन वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से कौन से कॉस्मेटिक के आइटम परचेज किए किस प्राइस में। बट आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने रिसेंट में वहाँ जब विजिट किया था तो मैंने वहाँ की वीडियो भी अपनी बनाई है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही इस शॉप की डिटेल भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहते हैं उस शॉप से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, थोड़े से प्रोडक्ट है, बट मुझे लगा कि उनका प्राइस बहुत जेन्युइन है तो मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर किस तरीके कॉस्मेटिक मिलता है या वहां पर कौन सा सामान मिलता है, वो इस वीडियो से थोड़ा सा उन्हें आइडिया मिल जाएगा इन कॉस्मेटिक के सामान से कि किस तरीके का वहां प्रोडक्ट मिलते हैं। और आप जरूर वहां पर विजिट करें एक बार, अगर आपके नियर पड़ता है, कश्मीरी गेट से बहुत पास पड़ता है, तो आप जरूर एक बार देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से मुझे उन्होंने पैक करके दिया। मुझे कुछ इस तरीके से पैकिंग करके दी उन्होंने जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इस तरीके के पाउचेस भी आते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कोई सामान परचेज किया और इस तरीके की मुझे पैकिंग में मिला। वो ये कुछ इस तरीके का सामान है। सबसे पहले हम पिगमेंटेशन की बात करें तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है ये, मतलब ब्राउनर और शेयर दोनों की तरह काम करेगा, बहुत अच्छा शेड है ये, थोड़ा पीच कलर में है और लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा लगा है, मतलब बिल्कुल वन स्वाइप में ही इस तरीके से आ जा रहा है हाथ में, इतना सॉफ्ट टेक्स्चर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हाँ, इन्होंने एक लिप ग्लॉस दिया, मुझे नहीं पता ये कितने का मतलब उनके पास अवेलेबल था, ये उन्होंने सामान के साथ सारा सामान परचेज करने के बाद दिया है, तो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत स्वीट सा है। मैंने पता है ये आते ही अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा मुझे इसका जो टेक्सचर था बहुत सॉफ्ट लगा, नेक्स्ट टाइम मैं जाके ऐसे दो तीन तो लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल से स्टिकी सा नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, लाइट वेट लग रहा था लगाने के बाद, और कुछ होते हैं ना स्टिकी से होते हैं, थोड़े अजीब से लगते हैं, ये उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट में अब आ जाते हैं मेन चीज़ों पे आ जाते हैं, जो कि मैं सबसे पहले देखने के लिए वहाँ रुक गई थी। पहला है ये ब्लशर, जिसका प्राइस इसमें मेंशन है 349 रुपीज़, जो कि इन्होंने मुझे 250 रुपीज़ में दिया है। ये भी बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है, इसमें काफ़ी कलर है, इसमें 4 कलर है कुछ इस तरीके के, अलग अलग पिंक, थोड़ा सा डार्क पिंक इस तरीके से हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही मैटी लुक में है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ वन स्वाइप में, फर्स्ट वाला कुछ इस तरीके से है, सेकंड थोड़ा इससे डार्क है, थर्ड थोड़ा इससे डार्क है, फोर्थ मैं आपको दिखा देती हूँ जो एक ही स्वाइप में आ गया, वो कुछ ज़्यादा ही डार्क है, बट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। जो सबसे डार्क है वो ये वाला है और थोड़ा पिंक ये वाला अच्छा लगा मुझे,
मतलब ओवरऑल मुझे सारे ही पिंक शेड इसके बहुत अच्छे लगे। पहले भी मैं परचेस करती थी, बट काफी टाइम के बाद मैं सिलमपुर मार्केट में गई हूँ। पहले मैं काफी ज्यादा जाती थी और सामान लेती थी, लेकिन अभी मैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद में गई हूँ। इसके बाद मैंने दो ये आई शेडो पैलेट परचेज किए हैं, जिसमें एक आई शेडो पैलेट, इसका जो प्राइस है इसमें मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है। तो ये मुझे पड़ा है 300 का, उन्होंने बताया था ये 450 अराउंड 500 के अप्रॉक्स बताया था इसका प्राइस। मुझे उन्होंने 400 टू 500 के अप्रॉक्स बताया था इसका प्राइस, अभी मुझे इसमें दिख नहीं रहा है उन्होंने, लेकिन 300 का मुझे दे दिया था। ऑल मैक शाइन लाइक अ स्टार ये जो प्रोडक्ट का नाम है। स्वेच नहीं करे थे क्योंकि शॉप पे नहीं किए, मुझे लग रहा है ज्यादा ही आ रहा है, तो थोड़ी कम फिंगर लगानी चाहिए नहीं तो सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो शॉप पे इतने अच्छे से नहीं हो पाया था, एक दो कलर्स मैंने चेक करे थे जो कि थोड़े ज्यादा यूज होते हैं आई मेकअप में, बाकी सारे नहीं किए थे। लेकिन बहुत ज्यादा प्रीटी है ये वाला आई शेडो पैलेट, रियली कलर्स इसके बहुत अच्छे है। अब इसके रह गए हैं 3 कलर, टोटल 15 शेड्स हैं। तो 15 शेड में से एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे लगे कि नहीं प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक दो तो फिर भी चल जाता है, बट ये काफी ज्यादा प्रीटी है। ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर कलर हैं। नेक्स्ट वाला जो है ये ऑल मैच शाइन, उस तरीके के है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये भी बहुत सुंदर कलर्स है, जो हम बिल्कुल ग्लिटर वाला वर्क करते हैं ना उसके लिए बहुत फाइन है ग्लिटर। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर कलर है। बेसिकली मेरा ये मोटिव था कि अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट लेने हैं, आप मेकअप सीख रहे हैं, तो यहाँ से जरूर बाय कर सकते हैं, काफी अच्छे प्रोडक्ट है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मतलब आई शेडो में भी इतने ज्यादा पिगमेंटेड होंगे। बेसिकली मुझे ये वाला आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसका कलर ही कुछ इस तरीके से है, मतलब बहुत फाइन है, बहुत ही बढ़िया। ये वाले देख सकते हैं, ये वाला कलर। तो फ्रेंड्स ये मेरे मेकअप प्रोडक्ट, अगर आपको भी पसंद आए और अगर आप विजिट करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हैं, लिंक की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।